बारिश का मौसम हो या शाम का चाय, दाल वड़ा तो सभी को खाना पसंद होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, दाल वड़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे अपने घर में मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। दाल वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चने की दाल। दाल को 3 घंटे पानी में सोख कर लेंगे और दाल को अब ग्राइंड कर लेंगे। दाल में 3 से 4 लहसुन की कलियां और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का काट करके ऐड करेंगे। और अब हम दाल में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि दाल हमारा दरदरा अच्छा ग्राइंड हो सके। ये देखिए दोस्तों, दाल को यहाँ मैंने पीस लिया है। हमें इसे दरदरा ही रखना है। वड़ा बनाने के लिए दाल ग्राइंडर से निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने दाल ग्राइंडर से निकाल लिया है। और अब इस टाइम पे दाल में हम 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 8-10 कड़ी पत्ते को इस तरह तोड़कर टुकड़ों में ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरा से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच से भी कम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो साबुत धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। और अब सभी इंग्रेडिएंट को हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। दाल के पेस्ट को मिलाने के लिए हाथों का ही इस्तेमाल करें। हाथ से दाल के पेस्ट को मिलाने से सभी इंग्रेडिएंट का फ्लेवर दाल वड़ा में बहुत ही अच्छे से आता है। ये देखिए, यहाँ मैंने दाल को अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसके दाल वड़ा या दाल पकौड़ा बनाएंगे। दाल वड़ा बनाने के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे और तेल को गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे और थोड़ा सा दाल डालकर तेल को चेक करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमें तेल इतना ही गर्म चाहिए। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम दाल वड़ा बना के तेल में फ्राई होने के लिए डालेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने तेल में दाल वड़ा फ्राई होने के लिए डाल दिया है। बैटर से दाल वड़ा बनाने के लिए हम थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और इस तरह गोल घुमाते हुए बैटर को हल्के हाथों से अंगूठा से इस तरह दबाते हुए फैला लेंगे। ये देखिए, दाल वड़ा हमारा शेप में आ गया है। अब हम इसे कढ़ाई में हल्के से तेल में छोड़ देंगे। और दाल वड़ा फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे दाल वड़ा फ्राई करने से दाल वड़ा हमारे अच्छे से अंदर तक पकता है और क्रंची बनके तैयार होता है। ये देखिए, इसी तरह सभी का वड़ा बनाकर एक एक कर तेल में फ्राई कर लेंगे। दाल वड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसे अपने घर में आसानी से कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, दाल वड़ा हमारा एक तरफ से सिक गया है। हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, दाल वड़ा हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। हम इसे पलटते हुए दूसरे तरफ भी लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ लाइट ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह सभी दाल वड़ा को फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे। और चलिए, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, दाल वड़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। आप इसे चटनी, सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें।